करेंगे शिला बकरेश्वर पंडित जी महाराज, आज के दिन वो धाम को चले गए थे। ऐसा कहाँ है? महाप्रभु ने कहा, भगवान ने कहा है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्र कह रहे हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। कलयुग में साधु कहाँ मिलते हैं? ये तो प्रभुपाद की कृपा है कि हम साधु बनने का प्रयास कर रहे हैं, पर साधु कहाँ है? साधु वो है जैसे बकरेश्वर पंडित जी थे, उनका जीवन हम सुनेंगे कैसा जीवन था। 24 घंटे कोई नाच सकता है? लेकिन जो सच्चा भक्त हो नाच सकता है। बकरेश्वर पंडित जी महाराज 24 घंटे नाचते थे, वर्णन आता मुझे कहते 3 दिन नाचते थे, 72 घंटे नॉन स्टॉप। तो पहले इनको याद करें हम, बकरेश्वर जी को, ये जो भजन गाकर आप सभी मेरे पीछे बोलो, ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनाता, कहाँ दास रघुनाथा पतिता पावा, कहाँ मोरा भट युग कहाँ कबीरा, कहाँ मोरा एका काले कोथा गेला गौरा नटरा, एका काले कोथा गेला गौरा नटरा, पाशा ने कुटी बो माथा अनिले पाशीबो, गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पवो, सेवा संगीरा संगे ये कोई लो मिला, से संग न पाया कांदे नरोतम दास, सुनो स्पीड में रखो, नरोतम
अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। और सुनो हे ना प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर। हे ना प्रभु जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर। शिला वक्रेश्वर ठाकुर शिला वक्रेश्वर ठाकुर। शिला वक्रेश्वर ठाकुर शिला वक्रेश्वर ठाकुर। प्रभुपा 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 जय शिला वक्रेश्वर ठाकुर महाराज की। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे यानी कि कृष्ण प्रेम, संसार में सब कुछ प्राकृत है भौतिक है लेकिन भक्त ना प्राकृत है ना भौतिक है। वो जो बोलते हैं गौलोक की बहनी और वो सदा भगवान के साथ हैं लेकर आए थे, तथा जो करुणा के भंडार थे ऐसे शिला श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कहाँ गए। मेरे शिला स्वरूप दामोदर शिला रूप शिला सनातन तथा पतितों को पावन करने वाले शिला रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ गए। मेरे शिला रघुनाथ भट्ट शिला गोपाल भट्ट शिला कृष्णदास कविराज तथा महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एका कहाँ चले गए। मैं समझ नहीं पा रहा भाव है भावो विद्युति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं। शिला नरोत्तम ठाकुर का बहुत भाव है, बहुत उच्च कोटि के वैष्णव रोते हुए हमारे सारे वैष्णव जितने भी परंपरा में हैं प्रभुपाद सब सब भगवान से बातें करने वाले बड़े महान। मैं समझ नहीं पा रहा कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहूंगा। सबसे बड़ा सुख क्या है? वैष्णवों का मिलना। सबसे बड़ा दुख है वैष्णवों का बिछुड़ना, वैष्णवों का वियोग। श्री नरोत्तम ठाकुर ऐसा महसूस कर रहे हैं इस भजन में। मैं अपना सर पत्थर से फोड़ डालूंगा, आग में कूद पड़ूंगा, गुणों के भंडार श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। हम सबकी भी यही इच्छा होनी चाहिए। हमारे मन में भौतिक इच्छाएं हैं, नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, हमारी इच्छा भी होनी चाहिए मैं भक्तों का संग कैसे मिले, गौरांग महाप्रभु का संग कैसे मिले। ये मनुष्य जीवन याद रखो ये माया की नगरी है, भौतिक जगत माया है, लेकिन इस माया की नगरी में कृष्ण भगवान ने अपने शुद्ध भक्त को भेज दिया प्रभुपाद जी को। इन्होंने माया की नगरी के निवासियों को भक्त बना दिया। अभी इनकी कृपा से हमने अपने अंदर ये इच्छा जागृत करनी है
कि मैं भक्तों का संग कैसे प्राप्त करूंगा। शुद्ध भगत एक भजन में नरोत्तम ठाकुर ने अपना भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। अगर भक्तों के चरणों की धूल मिले, उनकी कृपा मिले, तब हम ठीक तरह से भजन कर पाएंगे। भजन तो लोग करते हैं लेकिन अनुकूल नहीं है। क्यों? आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही। अनुकूल भजन के बारे में भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं शिक्षाष्टक में, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति अहितुहि त्वयि। भगवान हमें सिखा रहे हैं क्योंकि वो हमारे शुभ चिंतक हैं। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, शिष्य नहीं चाहिए, कविता मुझे बड़ा प्रवक्ता भी नहीं बनना, पर क्या चाहिए आपको? मुझे जन्म पर्यंत जन्म, पर वो आपकी भक्ति चाहिए। कैसी भक्ति? अहितुकी, मैं आपकी सेवा तो करूं लेकिन बदले में कुछ नहीं। ये प्रभुपाद जी की देन है। देखो प्रभुपाद जी ने छोटे से समय में सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार किया। पहली बात, प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं और उन्होंने शुद्ध भक्ति का ही प्रचार किया। जब अमेरिका में सेंटर खोलना शुरू हुए, उनको भक्तों को पैसे थोड़े दिए। प्रभुपाद कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं, सब उनके पास जो कृष्ण प्रेम था, कृष्ण भक्ति थी। तो याद रखो सारी माताएं भक्त, हमें प्रभुपाद के चरण चिन्हों पर चलना है। निष्काम भक्ति महाप्रभु सिखा रहे हैं, ना धन ना अनुयायी ना सुंदर स्त्री, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम सब लोग देखो ना, पहली तो बात हम ये शरीर नहीं है और हम इस संसार से भी नहीं है, यहाँ से तो हमको निकाल दिया जाएगा। हम जाना नहीं चाहेंगे लेकिन हमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए ये हम खोए हुए हैं दुनिया में। जैसे बच्चा बचपने में खो जाता है, माँ बाप कहते हैं बेटा स्कूल जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाएगा? खेलूँगा भाई। उन्हीं सोचता अगर नहीं पढ़ेगा इसका भविष्य अंधकार में है। इसी प्रकार अगर हम प्रभुपाद के बल से भक्त नहीं बनते, भगवान की निष्काम सेवा नहीं करते, तो हमारा भविष्य अंधकार में है। जैसे बच्चे में बचपना है, हमें अविद्या है, अज्ञानता है, अविद्या हमें कुछ नहीं समझने देती। जैसे बच्चे में बचपना है उसको बचपना कुछ नहीं समझने देता, भाई अभी मौका है पढ़ने का, हैं बाद में तू नहीं पढ़ सकता बचपने के कारण। तो हम अविद्या, इस अविद्या से हमने निकलना है। तो नरोत्तम ठाकुर महाराज, बड़े प्रेम से बोलो नरोत्तम ठाकुर महाराज की। बड़े महान वैष्णव कहते हैं कि मैं कैसे वियोग सहन करूँगा। वियोग ऐसा है कि ऐसा भी देखा कई बार भक्त भक्त के बिरह में शरीर छोड़ देते हैं। सच्चा प्रेम, एक भजन तो वैसे हिंदी का है, उसमें कहा है कि होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। सच्चा प्यार होगा तो भगवान मिलेंगे। हमारा प्यार सच्चा नहीं है, हमारा प्रेम झूठा है। हमारा मन संसार में लगा है, स्त्री का पुरुष में लगा है, पुरुष का स्त्री में लगा है, परिवार में लगा है, नोट बनाने में लगा है। ये भूल जाते हैं कि मैं यहाँ तो भक्ति करने आया था, यहाँ तो ये शरीर भगवान ने मुझे भगवत प्राप्ति के लिए दिया था। लेकिन समय समय भगवान खुद भी आते हैं, समय समय पर ऐसे महान वैष्णवों को भेज देते हैं। प्रभुपाद की बहुत बड़ी देन है संसार को, प्रेमा भक्ति। और मैंने देखा, मुझे इनका संग रहने का मौका मिला, कहीं कोई भक्त ऐसे निष्काम सेवा नहीं करते बहुत नाराज हो जाते थे प्रभुपाद, क्योंकि ये हमारा जानते थे, ये हमारे शुभ चिंतक हैं।
प्रभुपद अपने लेटर के आखिर में लिखते थे योर एवर वेल विशर, सदा तुम्हारा भक्त की हमारी शुभ चिंतक है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहूंगा। अपना सर पत्थर से मारकर पटक दूंगा, आग में प्रवेश कर जाऊंगा, भाव है भगवान के भक्तों का संग, भगवान के संग से विरह में श्री नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं। गुणों के भंडार, महाप्रभु जैसा अवतार नहीं हुआ। मैं पहले वही भजन गाना चाहता था, भूल गया। परम करुणा पाहु दुईजन निताय गौर चंद्र करुणा पा सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा भजा भज भाई चैतन्य नीताई भज सुदृढ़ विश्वास कोरी भजो भजो भाई चैतन्य नीताई मान जल्दी नहीं करा करो उसको सुदृढ़ विश्वास कोरी विषैया छाड़िया से रस मानिया भी मुखे बोलो हरि हरि देखो ओरे भाई त्रिभुवन नाई देखो ओरे त्रिभुवन ए मन दयालु दाता पशु पकी जूरे पाषण बीदरे पशु सुनी जरा गुण गाता देखो अरे भाई त्रिभुवन नाई देखो ए मन दयालु दाता पशु पक्षी जुरे पाषाण बिदरे सुनी जरा गुण गाता संसारे माजिया रोहलिया पोरिया संसार रोहलिया सेपा देना ही लो आजा सेपा अपना करम मुंजिया समन आप कहे लोचन दासा
जय गौरनीताय 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 जय गौरनीताय जय निमाई नीता निमाई नीता निमाई नीता जय निमाई नीता नीताय गौर हरिबो 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 नीता जय जय प्रभुपा 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 श्री गौरचंद्र तथा श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही परम दयालु हैं। ये समस्त अवतारों के शिरोमणि एवं आनंद के भंडार हैं। भगवान के बहुत सारे अवतार अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, लेकिन ये दो भाई गौर निताय हैं, यहाँ विराजमान हैं। इन जैसा कोई नहीं हुआ। क्यों, क्या खासियत थी? तुम दृढ़ विश्वास पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का भजन करो। गौरंगा, आपने बोलना है नित्यानंद। गौरंगा नित्यानंद गौरंगा 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 नित्यानंद 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 गौरंगा नित्यानंद नित्याय गौर हरिबो हरिबो हाथों पर नित्याय गौर हरि जय जय प्रभुपा 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 ये जो आचार्य श्री लोचन दास ठाकुर जो उनके संगी थे वो बता रहे हैं, कह रहे हैं हम सबको तुम दृढ़ श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक श्री श्री गौर निताय का भजन करो। विषयों को त्याग कर इन दोनों के प्रेम रस में डूब कर मुख से हरी हरी बोलते रहो। देखो, पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित है, स्त्री पुरुष की तरफ। आपके दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा ही है, ये कैपिटल है ना, ये दिल्ली है, बुरी हालत है, यही नरक है। देखो, नरक या वैकुंठ कहाँ जाएंगे हम, हमारे कर्मों पर निर्भर है। जैसा भोगे वैसा काटना पड़ेगा। एज यू सो सो शैल यू रीप। तो हम लोगों को प्रभुपाद कृपा से गौर नित्याय का भजन करना। तुम लोग विषयों को त्याग कर इन दोनों के प्रेम रस में डूब कर मुख से हरी हरी बोलते रहो। प्रभुपाद कहते मुख से हरी हरी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलो बोलो हरे कृष्ण हरे
एक बार फिर देखो भाइयों, तीनों लोक में इतना दयालु अन्य कोई नहीं है। गौर नेत्र से ज्यादा कोई दयालु नहीं है। भगवान के भगवान प्रभुपाद ने डिस्कस किया कि देखा कृष्ण भगवान जो है ना, वो भी पहले शर्त रखते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम तो हम सर्व, तो मेरी शरण में आएगा तो मैं सारे पापों से छुड़ाकर तुम्हें मोक्ष दूंगा, ये कृष्ण भगवान ने कहा। लेकिन वही कृष्ण जब गौर के रूप में आए हैं, कोई शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं। प्रभुपाद जी ने बड़ा इस पर चर्चा किया है। बस इन दो भगवानों की शरण लो, हरि हरि और हरे कृष्णा कैसे बोल, कैसे भगवान को याद करना चाहिए। एक बार दो मित्र आपस में मिले, बड़े दिनों के बाद, थोड़ा बड़े घनिष्ठ क्लोज फ्रेंड थे। जब वो मिले, एक ने दूसरे को पूछा, इतने दिनों के बाद मिले हो, कभी याद किया ना हमको। वो सोच रहा है कुछ, कहते आप क्या सोच रहे हैं, कभी आपने मेरे को याद किया। फिर सोच रहा है कि सोच क्या रहे हैं बताइए। कहते मैं ये सोच रहा हूं आपको भूला कब था, ऐसा होना चाहिए, हम भी कभी भी भगवान को ना भूले। प्रभुपाद कृपा से गौर नेता है, कलियुग के भगवान गौर नेता है। सारे आगे भी लोग क्यों, लोगों को पता नहीं है गौर नेता ही कलियुग के ठाकुर है। जैसे सतयुग के हंस भगवान, त्रेता युग के राम भगवान, द्वापर युग के कृष्ण भगवान और कलियुग के गौर भगवान, तो इनको याद रखो, ये बड़े दयालु हैं, बहुत दयालु। कह रहे हैं देखो भाइयों, इन तीनों लोकों में इतना दयालु और कोई नहीं है। इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षियों का हृदय भी द्रवित हो जाता है। भगवान जब झारखंड के जंगल से आ रहे थे, गौर भगवान वृंदावन को प्रकट करने, जो आपके पास, भगवान ने सोचा भी दिल्ली वाले उधर से दूर आ नहीं सकेंगे, वृंदावन यहीं प्रकट कर देते हैं। ये वृंदावन लुप्त था, ये महाप्रभु ने प्रकट किया है, ये महाप्रभु की देन है। जो आपके बिल्कुल पास कभी भी गाड़ी पेट्रोल वृंदावन पहुँच जा। लेकिन आजकल दिल्ली के लोगों ने वृंदावन को पिकनिक स्पॉट बना दिया है, वहीं जाकर गोल गफ्फे खा रहे हैं, पीले गफ्फे खा रहे हैं, बेकार की चीज़ें कर रहे हैं। वहाँ जाके भजन भक्ति करो, भगवान का नाम लो, अरे ये शरीर टेम्परेरी है। बड़ी भीड़ होता है वृंदावन में, बड़ा रश। एक बार इतना रश था कि हमको जो है ना रास्ता नहीं मिले, एक स्पेशल दरवाज़ा खोल के अंदर जाना पड़ा जहाँ हम ठहरे हुए थे। तो लोग बेचारे मोह माया में है, शुद्धि नहीं है। तो आप लोगों को प्रचार करना है, आप लोग कैपिटल निवासी हो, आप लोगों को प्रचार करके सब लोगों को भक्ति में लगाना है, खुद भी लगना है और दूसरों को भी लगाना है। इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षियों का हृदय भी द्रवीभूत हो जाता है तथा पाषाण भी विदीर्ण हो जाते हैं। तो जब महाप्रभु कीर्तन करते जाते थे, उनके साथ एक बलभद्र भट्टाचार्य एक व्यक्ति थे साथ में, पशु उसमें टाइगर, स्नेक, बंदर, मोर, जंगली जानवर, हाथी, सभी कीर्तन कर रहे हैं, सभी भगवान का नाम ले रहे हैं। एक टाइगर को मेरी तरह होगा बेचारा, वो बैठा रहा, भगवान भाव में जा रहे हैं कीर्तन करते हुए, पीछे से बलभद्र भट्टाचार्य चिल्लाए, महाप्रभु आपके आगे वाघ है, वाघ। महाप्रभु भाव में थे भगवान, जाकर वाघ को टकराए भगवान, चरणों का स्पर्श जब वाघ को हुआ तो क्या हुआ, वाघ झट पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
ये हमारे महाप्रभु हैं, इन महाप्रभु की शरण में आकर जीवन को सफल बना लो। संसार से किसी को ना आज तक मिला है, ना मिलेगा, ना हमको भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिला, हमको क्या मिलेगा। जब मैं आया था दुनिया में तो मेरे हाथ ऐसे थे, जाऊंगा तो ऐसे होंगे। दिल्ली वाले के हाथ ऐसे ही होते हैं, ऐसे होते हैं कैसे है? ऐसे ही जाते, अब खुले हाथ आए थे बंद हाथ जाएंगे, बंद हाथ आए थे खुले हाथ जाएंगे। इसलिए कहा है मेरे पीछे बोलो, ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, ना कुछ ले चलेंगे। यो पाया यहाँ पर, जो पाया यहाँ पर, यहीं ले चलेंगे, यहीं ले चलेंगे, कुछ साथ नहीं जाएगा। इसलिए कर लो भजन श्री कृष्ण का, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा, ये काम आएगा। छूटेंगे धन वजन, छूटेंगे धन वजन, मगर ये साथ जाएगा, मगर ये साथ जाएगा। नाम जपो, लग सेवा में लगाए रखो अपने आप को, खाली मत बैठो। महाप्रभु के बड़े बड़े पार्षद थे रसिक मुरारी, ऋषिकानंद, वो इतनी सेवा करते थे, वृद्धावस्था हो गई थी, भगवान की सेवा लगे रहते थे हर समय। भगवान को भक्तों की चिंता रहती है, भगवान ने कहा रसिक ऋषिकानंद कोई शिष्य बना लेंगे, कहते प्रभु अच्छे शिष्य कहाँ मिलते हैं आजकल। भगवान बाद में अच्छा प्रभु कल जो मिलेगा उसी को मंत्र फूंक दूंगा कान में। गंगा स्नान गए, एक डेड बॉडी आई, नहारे उनसे स्पर्श हुआ, देखा कि बालक का कोई 10 साल का बच्चा, उसके कान में उन्होंने बोल दिया हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। तो क्या हुआ, वो लड़का खड़ा हो गया जिंदा। भगवान आए पूछा तूने शिष्य बना लिया, कहते हम बना लिया, मिलाया भगवान से। भगवान कहते हैं तेरे को हम तेरे माता पिता के पास छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं मुझे गुरु मिल गया, अभी मैं इन्हीं के पास रहूँगा। तो काम शरीर से काम करना है और बदले में जाना कुछ नहीं। जब भौतिक इच्छा कोई रहेगी ना तो भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए ये कहा है अन्नाभिलाषता शून्यम, मटेरियल डिजायर मस्ट बी जीरो, कोई इच्छा नहीं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जो बड़ा ज्ञान बखानते हैं ना, और कर्मी जो काम करते हैं पैसे के लिए, कर्मी ज्ञानी और कर्मी दोनों भगवान को नहीं मिलते। ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल लेना कृष्णानु शलनम भक्ति रुतना, जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। भक्त को श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। अब देखो जैसे अर्जुन ने युद्ध किया भगवान के लिए, अपने लिए नहीं किया, भगवान के लिए किया। अर्जुन ने युद्ध किया, सबसे बड़े भक्त अर्जुन। भगवान ने गीता में कहा ना भक्तों सी सखा चेती रहस्य में तमोत्तम, तुम मेरे भक्त और सखा हो इसलिए मैं गीता का गोपनीय रहस्य तुम्हें दे रहा हूं। तो ये दो भगवान परम करुणा बड़े दयालु हैं, इसलिए जिन्होंने इनका अनुभव किया है वो कहते हैं इनका भजन करो, इनकी शरण में जाओ। लेकिन फिर लोचनदास कहते हैं संसारे माजिया रोहिलिया पोरिया सही पदे ना ही लो आस अपना कर्म भूंजिया समन, कहे लोचनदास। लोचनदास जी कहते हैं मैं तो संसारी के विषयों में ही रमा पड़ा रहा, हम लोग विषय विकार में पड़े,
ये विषय विकार इतने बेकार हैं, विषय विकार बेकार, कि अपना असली काम भूल गए हैं। श्री लोचनदास ऐसे नहीं थे, शुद्ध भक्त, लेकिन भक्त बड़े विनम्र होते हैं। संसारिक विषयों में ही रमा पड़ा रहा और श्री गौर नित्यानंद के श्री चंद कवनों के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी। लोचनदास जी कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण कि यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करवा रहे। तो इत्यादि भगवान हमको प्रभुपाद जी ने बड़ी मेहनत करके दिए हैं, इनको बस अपने जीवन में धारण करो। पहली तो बात यह है, हमारे पास टाइम नहीं होता। टाइम होगा गप्पे मारने का, कभी फालतू बातें करने का, मोबाइल का टाइम होगा, मोबाइल में लगे रहे, भजन का टाइम नहीं। दुर्भाग्य जीव का, इस मलिन मन को समझाना है, धीरे धीरे भजन में लगाना है। तो श्रीदा प्रकरेश्वर पंडित इनका दिव्य जीवन में पढ़ता हूँ। बोलो चला वक्रेश्वर पंडित जी महाराज की। एक बार शिला श्रीवास ठाकुर के घर से श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया, घर में कीर्तन किया, और वक्रेश्वर पंडित ने भावातिरेक में निरंतर 72 घंटे हे भगवान मैं 24 3 दिन तक नृत्य किया। आहा, कौन कर सकता है शुद्ध भक्त, क्योंकि शुद्ध भक्त तो है वो आत्मा के स्तर पर है। हम शरीर के स्तर पर हैं, अपने आप को हमने शरीर समझ रखा है, पर आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, हम ये शरीर नहीं है। इन्होंने नृत्य किया, उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा वक्रेश्वर मेरे पास तुम्हारे जैसा एक ही पंख है, एक पंख है, यदि एक और होता तो निश्चित ही मैं गगन में उठ सकता था। भगवान कितना मान दिया वक्रेश्वर पंडित जी को। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। बोलो वक्रेश्वर पंडित जी महाराज की जय। गायन व नर्तन में पारंगत, नृत्य और गायन में दोनों में शिला चक्रेश्वर पंडित नवदीप संकीर्तन मंडलियों जिन में वे प्रारंभ से ही सम्मिलित हो गए थे। श्रीवास आंगन के नाटकों तथा जगन्नाथपुरी में वार्षिक रथ यात्रा उत्सव में अपनी सेवा द्वारा सदैव श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते थे, भगवान को प्रसन्न करते थे। वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है कलिकाल में सुप्त जीवों को जागृत करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण नाम अमृत वितरित करने के लिए अवतरित हुए। देखो कलिकाल ये है, प्रभुपाद की कृपा, हम लोग कहाँ जानते थे चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन प्रभुपाद ने सारी दुनिया को चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता दिया। वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है कलिकाल में सुप्त जीवों को जागृत करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण नाम अमृत वितरित करने के लिए अवतरित हुए। जब वे आए मृदंग एवं करताल मेघ गर्जन सम महाघोष करने लगे, बड़े आवाज इतनी होती थी महाघोष, मेघ जैसे बादल,
शोर मचाते हैं। प्रेम भाव में प्रेम भाव में अंतर्लीन श्री गौरांग हरि बोल का निनाद करते हुए सबसे कृष्ण नाम लेने को कहते हैं भगवान। हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर भगवान हरि बोल करके सबको बोलते कृष्ण का नाम जपो, कृष्ण का नाम बोलने के लिए कहते। सबसे श्री कृष्ण नाम लेने को कहते अपनी स्वर्ण भुजाएं, भगवान का रंग जो था सोने जैसा था। भगवान ने राधा जी का भाव लिया, राधा जी की जो अंग कांति है वो स्वर्ण तप्त कांचन तपते हुए सोने की तरह, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामी हरि प्रिय। तो भगवान जो हैं वो सोने के रंग में, श्री कृष्ण लेने को कहते अपनी स्वर्ण भुजाएं अंबर की ओर उठाए भगवान श्री गौर हरि भावन माद में नृत्य करते नाचते थे। उस समय बकरेश्वर पंडित तथा अन्य भक्तगण भी भगवान के संग नाचते, सब नाचते थे। देखो भगवान अपना नाम लेकर ही नाच रहे हैं, भगवान को अपना नाम लेकर नाचने में इतना आनंद आया जिससे हम वंचित हैं, क्योंकि हम माया में पड़े हुए जी में कि भगवान भाव विभोर हो जाते थे और भक्तों को नचाते थे। बकरेश्वर के आशीर्वाद से देवानंद पंडित श्रीवास पंडित के प्रति किए गए वैष्णव अपराध से मुक्त हो गए। देखो वैष्णव अपराध बकरेश्वर पंडित ने उनको मुक्त किया, देवानंद पंडित को उन्हें श्रीवास ठाकुर के जो पंचतत्व में है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा, उन्होंने श्रीवास पंडित के प्रति किए अपने वैष्णव अपराध से मुक्त हो गए। बकरेश्वर पंडित ने मुक्त करवाया श्रीवास के प्रति जो देवानंद पंडित ने अपराध किया था। तब श्री चैतन्य भगवान ने देवानंद पंडित को अपने निजी भक्त के रूप में स्वीकार किया था। देखो अगर हम अपराध करेंगे ना तो भगवान हमको अपना भक्त स्वीकार नहीं करेंगे। अपराध ना शून्य हो लहो कृष्ण नाम, बोलो शून्य हो लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण सारे भक्त ध्यान रखो अपराधों से बचना। एक तो जब हम निष्काम भक्ति करेंगे ना कोई कामना नहीं। एक जगह प्रभुपाद कह रहे हैं अगर तुम कुछ भक्ति करके बदलने में कुछ ले लेते हो धन फिर वही मिलेगा तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। हमें केवल कृष्ण प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पीछे बोलो हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। जिसको चाहिए होगा वो नहीं बोलना। एक भक्त बड़े ध्यान से मुझे देख रहा है लेकिन बोल क्या चला आवाज नहीं निकाल रहा। मैं देखता हूँ सबको। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। अभी वो बिल्कुल बोला ही नहीं, ऐसे ऐसे भी किया उसने। चलो भाई तुम्हारी इच्छा हम कह ही सकते हैं। हमें कृष्ण जी, हमें राम जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए।
हम पैसे के पीछे पड़ जाते हैं ना, हमें केवल भगवान का प्रेम चाहिए। पैसा क्या है, यहीं का यहीं रहेगा, साथ तो नाम जाएगा। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा, छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। सब कुछ छूट जाएगा लेकिन नाम जपा होगा नहीं, साथ जाएगा। तो इसलिए नाम जपते रहो। कई लोग कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, उनके लिए हमने एक फार्मूला निकाला है, यहाँ पर नृसिंहदेव की तरफ पीठ मत करो, इधर इधर मुंह करो, इधर मुंह इधर। हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, हमें राम जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। ऐसे ही भक्त हुए, गरीबी से रह रहे हैं, भगवान सोने की मोरों का गोल्ड कॉइन्स का ढेर लगा देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं ऊपर। ऐसे ही भक्त हुए। टाइम कितना बाकी है हमें, कितने बजे बंद कर दूं, कितने बजे बंद करना है फिर? क्या तो महाराष्ट्र में दो भक्त थे, रांका और बांका, बड़े गरीब थे पर कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण को विठल भगवान कहते हैं। बोलो विठल भगवान की, बोलो रुक्मणी विठल भगवान की। तो एक दिन नामदेव जो हैं वे गए भगवान के पास। नामदेव भगवान से बातें करते थे, वो गए और कहा प्रभु कि आप सब आम लोगों को इतना कुछ देते हो, भक्तों को कुछ देते ही नहीं। कहते मेरे भक्त लेते ही नहीं, आप देते नहीं। कहते नहीं चलो मैं देता हूँ। उस तरफ से रांका आगे आगे, बांका उनकी पत्नी पीछे पीछे आ रही थी। बांका माता ने घूंघट निकाला हुआ था। एक सती नारी अपना मुंह भी किसी पुरुष को नहीं दिखाती, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन अंग्रेज घुस गए भारत में, मुसलमान आ गए, तहस नहस कर दी हमारी संस्कृति। शुक्र है कृष्ण भगवान का, प्रभुपाद को भेजकर पुनः हमारी सभ्यता स्थापित की। तो भगवान ने सोने की मोहरें रख दी आगे और भगवान कृष्ण नामदेव महाराज कृष्ण एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए। वृक्ष के पीछे खड़े हो गए नाम वो जो अपना रांका, उन्हें जब सोने की मोहरें देखी सोचने लगे ये घर ले जाएंगे, कृष्ण चिंतन नहीं होगा, विठल भगवान का चिंतन नहीं होगा, इनकी चिंता करनी पड़ेगी। पर मेरी पत्नी पीछे आ रही है, अगर वो कहेगी कि पतिदेव ये भगवान ने सोने की मोरें हमारे लिए भेजी हैं, ले चलो अच्छा घर ले लेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर मैं मना नहीं कर सकूँगा। तो मिट्टी डालने लगे सोने की मोरों पर, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब मिट्टी डालने लगे तो क्या हुआ, पत्नी ने देख लिया। वो पास आके कहती है पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं। वो उनसे भी, उनको बड़ी शर्म आई, मैं सोचता था कहीं कहीं ले जाओ, ये तो कहते मिट्टी है। ये भक्त जो है ना जिनका कृष्ण प्रेम जागृत हो गया है, जिनको कृष्ण की प्राप्ति हो गई है, किसी भौतिक वस्तु के पीछे वो नहीं जाएंगे और केवल कृष्ण के पीछे ही रहेंगे, केवल कृष्ण भक्ति करेंगे। तो फिर बोला भगवान ने नामदेव को देखा, कहते हाँ प्रभु
जिन्हें आपकी कृपा मिल जाती है, आप कुछ नहीं चाहते भौतिक। चलो भगवान और थोड़ी नामदेव की तसल्ली कराना चाहते थे, चलो वन में। वो क्या करते थे, लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है जंगल से, उनको बेच के जो थोड़ा एक दो पैसा, उस पुरानी बात है, पैसे दो पैसे के जिनमें बहुत कुछ आ जाता था, उनसे गुजारा करते थे। लकड़ियों का बोझ उन्होंने, कृष्ण भगवान ने और नामदेव ने इकट्ठा कर दिया कि ये जो है ले जाएंगे। वहाँ तो दोनों आए लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए, हमारे से पहले ही कोई आके लकड़ी इकट्ठी, वो लकड़ियाँ भी नहीं उठाई। इतने महान होते हैं भक्त। तो हमें राम नाम का धन चाहिए, कृष्ण नाम का धन चाहिए। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। नाम लो बस। प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया में नाम का प्रचार कर दिया, महाप्रभु भी खुद कीर्तन करते थे। तो तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने देवानंद पंडित को अपने निजी भक्त के रूप में स्वीकार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, श्री कृष्ण ने मकरेश्वर पंडित के हृदय में अपना अधिष्ठान बना लिया है। जब श्री कृष्ण उनके हृदय में नृत्य करते हैं, तब वक्रेश्वर पंडित स्वयं ही नाचने लगते हैं। भगवान जब कीर्तन करते हैं, नाचने लग पड़ते हैं। जिस भी स्थान को वक्रेश्वर पंडित अपना संसर्ग से धन्य कर देते हैं, वह स्थान समस्त तीर्थ स्थलों से अधिक पवित्र तीर्थ स्थान बन जाता है, वक्रेश्वर पंडित जी की कृपा से। बकरेश्वर पंडित परमानंदपुरी, स्वरूप दामोदर, गदाधर, जगदानंद पंडित, शंकर, रघुनाथ वैद्य तथा रघुनाथ दास जैसे किंचित महान भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की नवदीप लीला के प्रारंभ से ही उनका संग कर रहे थे, शुरू से भगवान के साथ में थे। उन्होंने नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी में भी निष्ठापूर्वक महाप्रभु की सेवा की। बकरेश्वर पंडित ने जगन्नाथपुरी में काशी मिश्र भवन में गंभीरा के समीप ही श्री श्री राधा कांत के अर्च विग्रह प्रतिष्ठित किए। कभी कर्णपुर ने के कथनानुसार बकरेश्वर पंडित जो हैं चतुर्व्यूह के अनिरुद्ध के अवतार हैं। बोलो अनिरुद्ध के अवतार बकरेश्वर पंडित जी महाराज की। बकरेश्वर पंडित ने उड़ीसा में गोपाल गुरु गोस्वामी तथा अनेक अन्य भक्तगणों को दीक्षा दी। गोपाल गुरु बहुत बड़े महान वैष्णव हुए हैं। टाइम नहीं है, गोपाल गुरु जी का थोड़ा सुनाते, पढ़ना भी है। गोपाल गुरु जी बड़े महान, और उनको महाप्रभु ने भी बड़ा सम्मान दिया था। गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य ध्यानचंद्र अपने ग्रंथों में कहते हैं कि वक्रेश्वर पंडित तुंग विद्या सखी के अवतार हैं, जो श्रीमती राधा रानी की अष्टकियों में से एक है तथा एक निपुण गायिका एवं नृत्य की है। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। अब देखो जो बकरेश्वर पंडित ये गोपाल गुरु जो थे, एक बार उन्होंने महाप्रभु को देखा, महाप्रभु ने अपनी जीभा पकड़ी लिया था, तो बकरेश्वर पंडित पूछते हैं, अपना गोपाल गुरु पूछते हैं, प्रभु आपने अपनी जीभा क्यों पकड़ी लिया है? कहते मैं जब शौच के लिए जाता हूँ तो मुझे आदत है नाम जपने की, गंदी जगह तो नहीं नाम लेना चाहिए। तो गोपाल गुरु कहते हैं, महाप्रभु अगर किसी के प्राण उधर निकल जाएं तो वो तो नरक में जाएगा,
फिर हमें कहीं भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। भगवान बड़े खुश हुए, बोला आज के बाद तू गोपाल गुरु नाम से जाना जाएगा। तभी उनको गोपाल गुरु कहा गया। नाम तो हर जगह हर समय जपना है। कोई जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ हम भगवान को भूल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। बड़े प्रेम से बैठो, बड़े प्रेम से मेरे पीछे बोलो, नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, बोलो पंच तत्व की, बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न जल्दी बोलो। हरे कृष्ण महाराज, जैसे आपने कहा कि जो वृंदावन में चल रहा है दिल्ली से ज्यादातर है, वृंदावन में जो चल रहा है दिल्ली से ही ज्यादातर एंट्री है, तो प्रश्न तो क्या था महाराज, आपके ही भाव से प्रेरित होकर एक निवेदन था कि नॉर्थ इंडिया में हमारे जितने मंदिर है इस्कॉन के, वहां पर अगर थोड़ा सा टेबल लगा के जनता को शिक्षित किया जाए वृंदावन क्या है वहाँ, क्योंकि यूट्यूबर बहुत वीडियो बना देते हैं वृंदावन जाओ लेकिन वहाँ जाके क्या करना है क्या पहनना है नहीं बताते। तो ये काम हमारा है, हम लोग अगर नॉन कमर्शियल में वो काम करते हैं और ये आह्वान करते हैं कि वृंदावन क्या है, वहाँ जाके कैसे रहना चाहिए, क्या सावधानी करनी चाहिए, एक बैनर अपने सब मंदिरों में अगर लग जाए कि वृंदावन एक पिकनिक स्पॉट नहीं है। और पहला जो है ना वो बनाना जो है ना वो आप तैयार करके देंगे और तैयार करके दीजिए, फिर प्रयास किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण, हाँ क्या माइक थोड़ी दूर रखो, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही मेरे को। ठीक, माइक मुंह के पास मत रखो, थोड़ा सा दूर रखो। हाँ बोलो। किसी को समझ आया? मुझे कुछ पता नहीं लगा। हैं भक्तों का
संघ भी करो, अपराध नहीं करो, ध्यान रखो ना करे कोई ऑटोमेटिक तेरा बटन अभी दबाया नहीं अपराध का, अभी अपराध है, खुद ही ध्यान रखना है अपराधों को, जानो पहले 10 नाम अपराध हैं, नहीं करना है उनको। हरे कृष्णा। Significance is this, should I speak in English or Hindi? इन्होंने प्रश्न किया महाराज ने कि ये जो परम करुणा, हम सबको ये जानना चाहिए, ये जो अवतार हैं गौर निताएं, जितने भी अवतार पहले हुए हैं ना, इनको सबसे ज़्यादा दयालु बताया है, मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन। तो हम कलियुग के वैसे ही पतित लोग हैं, हमारे लिए ये प्रकट हुए हैं, हम इनकी शरण में आए और इनसे भक्ति मांगे, समझाई, भक्ति मांगे और जीवन सफल करें। हरे कृष्णा। अभी आप लोग उठना नहीं आज आपने, उठो शाबाश, उठ जाओ और जाके प्रसाद पाओ।